चौकड़ बंदे ने जान गया था मुझे मान लो ने सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम निकालने वाले हैं न्यू M1887 की स्किन। मुझे पता है कि मैं वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूं, क्योंकि यार ये स्किन 2-3 दिन पहले ही आ चुकी थी। पर यार मैं क्या करूं, जब मेरे पास डायमंड होंगे तभी तो स्पिन मारूंगा। अभी मेरे पास डायमंड हुए एंड अब मैं इसको निकालने वाला हूं। मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि भाई ये 500 डायमंड के अंदर निकल जाएगी, तो मैंने सोचा चलो यार स्पिन मार ही देते हैं, डायमंड पड़े हैं तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने फ्री वाला स्पिन मारा तो उसके अंदर से मुझे एक फ्रैगमेंट मिल चुकी थी, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं 45 डायमंड के 5 स्पिन मारता हूँ सीधा, तो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। तो भाई कुछ नहीं, खा गए, ख़त्म गया भाई, टाटा बाय बाय। तो इसके अंदर से कुछ नहीं निकला। फिर मैंने 90 का मारा एंड 90 के अंदर से भी कुछ नहीं निकला। भाई कुछ तो दे दो यार, मतलब मेरा निकालने का भी मन करे। इसके बाद मैंने तीसरा 90 का स्पिन मारा, उसके अंदर से मुझे एक फिस्ट मिल गई। फिस्ट मतलब मुक्का, मुक्का मतलब फिस्ट, ठीक है। तो एक और मारा, उसके अंदर से भी मुझे एक फिस्ट मिल गई, मतलब हमारे पास 2 फिस्ट हो चुकी है। फिर गाइज मुझे 90 में एक और फिस्ट मिल गई। मुझे लगा चलो यार ये निकल ही जाएगी मेरी 500 डायमंड के अंदर। फिर मैंने 90 का मारा, कुछ भी नहीं दिया भाई, खा गए, ख़त्म। इसके बाद गाइज मेरे बैकपैक के अंदर कुछ सामान इकट्ठा हो रहा था। अगर आपके पास ऐसा सामान पड़ा है ना, तो आप इसको एक्सचेंज करके फ्री स्पिन ले सकते हो। तो यहाँ पर इस सामान के बदले मुझे 9 फ्री स्पिन मिल जाएंगे। तो मैं एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर से ये मुझे क्या देते हैं। तो भाई आप देख सकते हो 9 स्पिन के अंदर मुझे एक फिस्ट मिल चुकी है, क्या बात है। एंड भाई आप कैलकुलेट करके बताना कि यार मेरे टोटल कितने स्पिन लगे, मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पर मैंने इनको एक्सचेंज भी किया, इसके अंदर से मुझे 2 स्पिन और मिले और उसमें कुछ नहीं निकला। फिर मैंने एक और एक्सचेंज किया, उसके अंदर से भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो अब मेरे पास 47 डायमंड बच चुके थे। मुझे लगा यार अभी तो नहीं निकलेगी, और फिर मैंने 20-20 करके स्पिन मारा, कुछ नहीं निकला। फिर मैंने 20 का स्पिन मारा, कुछ नहीं निकला। भाई खा गए सारे डायमंड, 542 डायमंड खा गए। एंड यहाँ पर मैंने एक्सचेंज करके भी स्पिन मारा, तो मतलब हजारों डायमंड खा गए। तो अब मेरे पास 60 डायमंड बच चुके थे, अब मैं क्या करूँ। फिर यार मैंने एक वीकली ले रखी थी, मैं रात के 12:30 बजे आया, मुझे 60 डायमंड मिल गए। एंड मैंने फिर से 20-20 करके स्पिन मारना शुरू कर दिया। तो भाई कुछ नहीं दे रहे, खाए जा रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। आपके भाई की किस्मत बहुत ख़राब है भाई, लक में बहुत ख़राब है। मैंने आज तक डायमंड या वेपन में कभी स्पिन ही नहीं मारा भाई, डायमंड से, पाउचर से मारा है, वैसे नहीं मारा डायमंड से, ठीक है। उसके बाद गाइज मैंने एक टॉपअप मारा 100 डायमंड का, और 100 डायमंड के अंदर क्या बात है यार, मुझे ये मिल गया कुत्ता, अरे कुत्ता नहीं मतलब बंदर मिल गया, जो भी है, ठीक है। एंड इसका काम क्या होता है, ये भाई आपके ग्लू वॉल के डिस्टेंस को बढ़ा देता है एंड ग्रेनेड के डिस्टेंस को बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा दूर तक आप उसको लगा सकते हो, ज़्यादा दूर तक ग्रेनेड फेंक सकते हो, ठीक है। तो अभी यार मुझे लग रहा था कि भाई 100 डायमंड के अंदर तो ये मुक्का दे ही देंगे, मुझे नहीं मतलब मुक्का दे देंगे इसके अंदर। तो मैंने सीधा 90 का मार दिया, पर कुछ नहीं दिया, खा गए सारे के सारे। फिर मैंने एक्सचेंज के ऊपर क्लिक किया और 2 स्पिन मिले, उसमें भी कुछ नहीं मिला यार, मतलब देख रहे हो मेरी किस्मत, लक के अंदर कितनी किस्मत ख़राब है, मतलब ग्रीना वाले बहुत कंजूस हो रहे हो भाई। उसके बाद मैंने 100 डायमंड का फिर से मारना पड़ा। अगर गाइस अब की बार ये मुक्का नहीं निकलता ना, तो मैं दोबारा से टॉप अप नहीं मारने वाला था, क्योंकि यार पैसे ख़त्म हो चुके थे। फिर यार मैंने 20-20 करके यहाँ पर स्पिन मारा, तो आप देख सकते हो यार ये क्या दे रहे हैं। इसके बाद मैंने 20 का एक और मारा, तो उसमें भी यार कुछ नहीं निकला। फिर मैं बैग के अंदर गया एंड मैंने यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मुझे एक मुक्का मिल गया। एंड भाई बहुत खुशी हुई, क्योंकि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं बचे थे। और अगर गाइज मैं इतने डायमंड लगाने के बाद भी इस स्किन को नहीं निकाल पाता तो भाई मुझे बहुत दुख होता। तो फाइनली यार मेरी ये स्किन निकल गई, एंड उसी के साथ मुझे यहाँ पर सरफ बोर्ड एंड ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये भालू की स्किन है, कुत्ते की, जो भी है वो बंदर की स्किन है। एंड हमें एक M60 की स्किन मिल गई, मेरे पास एक भी नहीं थी। मास्क भी मिल गया एंड हमें ये स्किन भी मिल गई, क्या बात है। तो गाइज आप देख सकते हो क्या ही खतरनाक स्किन है। एंड मेरे पास पहले पिंक वाली स्किन थी, अब मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि यार ये मुझे इससे अच्छी लगती है। इसके अंदर सिंगल डैमेज प्लस है और डबल रिलोड स्पीड है। मैं जब भी यार इसको चलाता था ना M1887 को, तो मैं रिलोड की वजह से मरता था, और अब इसमें तो पता ही नहीं चलता कब रिलोड हो जाती है और कब गोली छूटती है। तो भाई बहुत ही सही स्किन है एंड मेरी पिंक वाली से तो बहुत बढ़िया है।
आई।